पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 को लेकर सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस पार्टी ने घोषणा पत्र जारी किया। सीएम ममता बनर्जी ने 17 मार्च को कोलकाता स्थित अपने आवास पर घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा, मैं बंगाल की बेटी हूं और यह घोषणा पत्र माँ माटी और मनुष्य के लिए है। उन्होंने कहा कि जब से हम सत्ता में आए हैं हमने अपने सभी वादे पूरे किए हैं। हमारा काम जग जाहिर है। यूनाइटेड नेशंस ने हमें सम्मानित किया है। हम 100 दिन रोजगार देने में नंबर एक हैं। हमने गरीबी को 40% तक कम कर दिया है और किसानों की आय में 3 गुना की बढ़ोतरी की है। ममता ने इस घोषणा पत्र को लोगों का घोषणा पत्र बताया। कहा कि यह राजनीतिक घोषणा पत्र नहीं है, यह विकास का घोषणा पत्र है। 8-9 जातियों को OBC में शामिल करने के घोषणा के दौरान ममता ने केंद्र पर बाधा पैदा करने का आरोप लगाया। इसके अलावा उन्होंने दिल्ली में उपराज्यपाल की शक्तियां बढ़ाने को लेकर मोदी सरकार के निर्णय की निंदा की है। आइए जानते हैं कि ममता के इस घोषणा पत्र में क्या खास है। किसानों को 6,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये दिया जाएगा। किसानों के लिए बजट का आवंटन दुगना किया जाएगा। इसके बाद तराई दूर क्षेत्र के विशेष विकास बोर्ड बनाया जाएगा ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे और विकास हो। उसके बाद बंगाल के छात्रों के लिए 24,000 करोड़ दिया जाएगा। अल्पसंख्यक भाषा जैसे नेपाली, राजवंशी आदि पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके बाद 8-9 जातियों को OBC के तहत शामिल किया जाएगा। इसके बाद 1.6 करोड़ घरों में महिलाओं के लिए मासिक भत्ता देने का ऐलान किया गया। सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए 500 रुपये, SSC ST परिवारों को 1,000 रुपये। यह पैसे मुख्य महिला सदस्य को दिया जाएगा। इसके बाद 1.5 करोड़ परिवारों को राशन की डिलीवरी की जाएगी। इसके बाद 25 लाख घर बनाने के साथ ही हर घर में पीने के पानी और बेहतर जल निकासी का वादा किया गया। पश्चिम बंगाल चुनाव में कब क्या? पश्चिम बंगाल में 27 मार्च से लेकर 29 अप्रैल तक 8 चरणों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। नतीजे 2 मई को घोषित किए जाएंगे। 2016 में हुए चुनावों में TMC 211, NINC 44, CMP 26, BJP 3 और अन्यों ने 10 सीटों पर जीत दर्ज की है। राजनीतिक एक्सपर्ट अब की TMC को BJP की मुख्य लड़ाई बता रहे हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा का कार्यकाल 30 मई 2021 को पूरा होने जा रहा है। ऐसे में 30 मई से पहले नई सरकार के गठन की प्रक्रिया पूरी होनी है। अब देखना होगा कि इस बार बंगाल के चुनाव में क्या होता है। खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें आज शाम प्लस।